इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। इसी को हम द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय भी कह सकते हैं। कई सारे लोग एकांत पक्षी हो गए। बताइए, किसी चिड़िया का एक पंख हो, दूसरा ना हो, कितना उड़ेगी, कहां पहुंचेगी? इसलिए जो एकांत पक्ष वाले होते ना, किसी भी चीज का एकांत पक्ष करते हैं, वो एक पंख वाले हैं। और एक पंख वाले कहीं भी उड़ के जाते नहीं हैं। उड़ने की कोशिश करेंगे, वहीं उड़ेंगे, थोड़ा सा कहो और वहीं नीचे गिरेंगे, छटपटाएंगे। वो छटपटाहट ना हो, इसके लिए दोनों पक्षों को, नए विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। आत्मार्थियों, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्द देखें हम, अभी वो एक उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे व्यवहार और निश्चय का मेल बैठता है। देखिए 47 नंबर की, 48 नंबर की गाथाएं हैं। क्रम से चल रहा है। 40 नंबर की गाथा में तो ये बताया था, व्यवहार सदर्शन मोबे सो वर्ण दो जिन बरे हिम, जीवा ये दे सब्बे अज्जा साड़ा दो भावा। व्यवहार ऐसे कहता है कि ये सारे जो भाव है ना, अध्यवसान आदि भाव, राग देश मोह आदि के जो परिणाम हैं, ये सब जो हैं जीव हैं। ऐसा व्यवहार ऐसे जिन भगवान ने उपदेश दिया है, हमने आपको कल समझाया भी था और आप खुद भी समझदार हैं। ये मोबाइल जो आपने ले रखा है किसका है, किसका है? आप कहोगे जब मैंने ले रखा है, मेरे हाथ में है तो मेरा ही है। जो बैग है आपके हाथ में, ये किसका है? दूसरे का तो उठा के ले नहीं जाएंगे, ये मेरा है। लेकिन वास्तव में बैग और आप कितने एक हैं। व्यवहार से उसे अपना कहा जा रहा है, ये मेरे भाई साहब हैं, ये मेरे काका जी हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। ये सब किस विवक्षा से कह रहे हैं, बोलो ज्ञानी? व्यवहार नय से, निश्चय नय से कोई पदार्थ किसी का होता नहीं है। पदार्थ पदार्थ का है। वही बात यहाँ पर कही कि जो हमारे राग भाव हुए, द्वेष भाव हुए, प्रेम भाव हुए, अपनापन हुआ, परायापन हुआ, इस तरह की जो वृत्तियाँ हैं, ये सब कौन से नय की विवक्षा से है? जीव की व्यवहार नय से। ऐसे ही जीव जो सुखी दुखी होने की कल्पना कर रहा है, देह को अपना मानने की कल्पना कर रहा है, कौन से नए से? चलो आप दोनों बाप बेटा हैं, कौन से नए से, कौन सी विवक्षा से? व्यवहार नए से। पिताजी आए, घर तक पहुंचे और तभी छोटे बेटे ने बताया, पिताजी मार्केट वाली दुकान में जो है आग लग गई। दोस्त का फोन आया था कि मार्केट में जो अपनी दुकान है उसमें आग लग गई। और आग सुनना था कि मार्केट की दुकान में आग कितनी लगी ना लगी, पिताजी के मन में जोरदार आग लग गई। चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, हाय लुट गया, जल्दी चलो, जल्दी गाड़ी निकालो, बाहर चलते हैं। इतने में क्या हुआ, ऊपर से भाई ने आवाज़ सुनी कि पिताजी क्यों चिल्ला रहे, क्यों चीख रहे। नीचे आया, क्या हुआ? तो बोले तो सुनाई नहीं पड़ा, आग लग गई। आग, उसने कहा आग लग गई लेकिन दुकान का तो सौदा हो गया था ना, आग लग गई तो लग जाने दो, जिसने खरीद ली है उसकी।
पिताजी ने जैसे ही सुना तुरंत चुप हो गए। हाँ बात तो ठीक है, सौदा हो गया। तभी छोटे ने वापस बोला कि भाई सौदा ही हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब तीनों रोने लगे। अपनापन होता है तो रोना और हंसना होता है, और अपनापन या आसक्ति नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, जितना योग संयोग था हो गया। उसी बात को यहाँ पर आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी कहते हैं। आज ये गाथाएं आप सब बोलिएगा, हम सुनेंगे। 46 नंबर 48 नंबर। राया खुनिगदोत्तिय एसो बल समुदयस आदेशो बौहारेण दुच्चदी तथे को निगदो राया एमे व्यवहारो अज्जौषाणादि अन्नभावाणम् जीवोत्ति कदो सुत्ते तथे को निच्छेदो जीवो। अब बोलिए, इसी को बोल लीजिए जो सामने है। बदल गया, एमे व्यवहारो पंडित जी, सही बोल रहे ना? ये सभी सभी ज्ञानी हैं। अब इसको अर्थ समझो, बहुत सरल अर्थ बोलते भी हैं। राय शब्द आज भी चलता है, कई लोग लिखते हैं मदन मोहन राय, अमुक राय, अमित राय। तो राय का मतलब क्या होता है? राय देने वाले राजा, रायचंद श्रीमद। तो राय मतलब होता है राज, राजा। रायाहु निगदोति, राजा निकल गया, निकला। एसो बल समुदय से आदेशो, सेना के साथ में राजा निकला। लेकिन कहते क्या हैं? व्यवहारेण दुच्चदि तथ्य को निगदो राया। व्यवहार से क्या कहते हैं? सामान्यतः राजा निकला। आप यहाँ बैठे हैं, अब आप वापस पुनः जाओ। कौन कौन जाएगा पुनः? एक दो तीन। अच्छा, अब पुनः जाओ, और पुनः जाओ और वहाँ कोई पूछे कहाँ गए थे तो क्या कहोगे आप? दिल्ली गए थे। किस लिए गए थे? ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नाम लोगे और कहोगे उनके दर्शन को गए थे। तो क्या आप केवल हमारे दर्शन को आए थे? कहेंगे भले, लेकिन आपने आचार्य महाराज का भी दर्शन किया होगा, मुनिराजों के भी दर्शन किए हैं, क्षुल्लक क्षुल्लिका के दर्शन किए हैं, तत्व ज्ञान लिया है, आहार दिया है, भक्ति की है, सेवा की है। लेकिन कहा क्या जाएगा? ऐसे कहा जाएगा ना? वास्तव में जैसे कहते हैं राजा निकल रहा है, हैं क्या गजब की राजा की सवारी, 1 किलोमीटर तक तो पांव रखने की जगह नहीं है अभी भाई। हैं अमुक संघ का, मुनि संघ का प्रवेश रहा, प्राय करके मान लीजिए नाम लेकर के बोलते हैं। अमुक महाराज का प्रवेश हो रहा है, सड़क पर पांव रखने की जगह नहीं थी। तो वो महाराज इतने बड़े हैं, इतने लंबे चौड़े हैं कि सड़क पर पांव रखने की जगह नहीं थी, बताइए। व्यवहार नए से ऐसे कहा जाता है। जो सेना है उसे भी राजा में गिन लेते हैं, जो रथ हैं उसे भी राजा में गिन लेते हैं, जो और सहयोगी हैं उसे भी राजा में गिन लेते हैं। ऐसे ही मुनि संघ में आचार्य श्री का नाम ले लिया, बाकी सब उसी में गर्वित कर लिए। ये कौन से नए की व्यवस्था है?
ये आप ऐसा जब कहोगे तो कोई आपको झूठा नहीं कहेगा। वो कहेगा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छे से दर्शन हो गए। हाँ आप कहोगे अच्छे से दर्शन हो गए, अरे दर्शन नहीं हुए बल्कि बात करके आया मैं तो, इस बार 10 मिनट बैठ करके। कहेंगे कि नहीं? वो कहेगा बहुत बढ़िया, मतलब उसने ये नहीं कहा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने उनके दर्शन नहीं किए, उनके नहीं किए। तो आप कहेंगे भाई वो ऐसा कहेगा भी नहीं, उसे पता है कि व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता, ऐसे ही घर को, दुकान को, चीजों को, कपड़ों को, देह को अपना जो मानते हैं वो क्या है, व्यवहार में। अभी संभाल रही हैं अम्मा जी दुपट्टे को, क्यों संभाल रही बताइए, किसका दुपट्टा है, किसका है, इसको क्या बोलते हैं, पटका, ये पटका किसका है, बोलना तो पड़ेगा। आपका है ना, देखिए आपका है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि मेरा नहीं है तो आजू बाजू के लोग ले लेंगे, व्यवहार से ऐसा कहना पड़ेगा आपको, जबकि आधे घंटे पहले तक वो आपका था ही नहीं, घंटे भर पहले, 2 दिन पहले आपका था नहीं, लेकिन अभी आपके स्वामित्व में है तो आपका है। ये कौन सा नहीं कहता है, ऐसे ही समझने से जीवन में एक तरह की शांति आती है। कभी कभी होता है कि बहुत कोई प्यारे व्यक्ति बिछड़ गए, चले गए, मर गए, दूर चले गए, हमसे नफरत करने लगे, अब ऐसे में आप क्या करेंगे, दुखी होगे, क्लेश करोगे, हाय हाय करोगे। अब आप थोड़ी समझदारी लगाएंगे, भाई वो रहे हम हैं, उनकी उनकी योग्यता, हमारी योग्यता, मिले थे जितने दिन का योग था मिल गए, अब जितने बिछुड़ने का टाइम आएगा बिछुड़ गए, अब इसमें इतना क्या क्लेश करना, सहजता रहेगी, बहुत कमाई हो गई, खुशी तो होगी कि हाँ मैंने आज 10,000 रुपये कमा लिए। लेकिन कभी अगर फटका बैठ गया तो समझदारी होगी तो सोचेंगे कि आने का योग था तो आया और जाने का योग था तो उसमें मेरा क्या गया। सज्जनों तो जैसे सेना सहित पूरे परिकर को राजा आया ऐसा बोलते हैं, हैं? मान लीजिए यहां दर्शन को प्रधानमंत्री आए, अब लोग कहेंगे कि आने वाले हैं, अमुक तारीख को आने वाले हैं, अमुक तारीख को लोकसभा अध्यक्ष आए, कहेंगे तो क्या अकेले आ गए, वो बोलो पूरे देश में चर्चा क्या होगी कि भाई राज्य दिल्ली सरकार के मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री इस तारीख को आने वाले हैं, बात तो इसी ढंग से होगी ना। लेकिन क्या वो हिलते डुलते अकेले आ जाएंगे, अरे वो उनके आने के पहले, जाने के बाद, और जो फौज फाटा होगा ढेर सारा, लेकिन कहा क्या जाएगा। ऐसे ही लोग व्यवहार में इसी ढंग से कहा जाता है, इसी ढंग से विचारा जाता है, और इस तरह का अगर निर्णय होता है तो बहुत क्लेश नहीं होता है। कैसे, ये तो उदाहरण हुआ, प्रधानमंत्री आएंगे, 10 गाड़ियां आएंगी, 25 गाड़ियां आएंगी, सैकड़ों अधिकारी आएंगे, लेकिन कहा जाएगा प्रधानमंत्री आए। उसी को दूसरी गाथा से थोड़ा और स्पष्ट किया, ए मे वै व्यवहारो अध्यवसानादि अन्न भावारम। इसी प्रकार से अध्यवसान आदि जो भाव हैं, राग का भाव है, द्वेष का भाव है, प्रीति का भाव है, अपनेपन का भाव है, परायेपन का भाव है, क्लेश का भाव है, इस प्रकार से व्यवहारो अध्यवसानादि अन्न भावारम, जो अध्यवसान आदि अन्न भाव हैं, जीव ज्ञानमय है, विकार वाला नहीं है, लेकिन ये विकार जो हो रहे हैं इन सबों को भी व्यवहार में से क्या बोलते हैं, जीव, जीवोत्ति कदो सुत्ते तथ्य को निच्छेदो जीवो। निश्चय से तो वह एक जीव ही जीव है,
लेकिन व्यवहार से जितने सारे प्रपंच हैं उन सबों को भी जीव में गिनते हैं, गिनते हैं, मानते भी हैं। भैयावृत्ति करने आए आप, मुनिराज की भैयावृत्ति करने गए। अब आप समय सार सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, और आपने ये भी सुन रखा था कि जीव और देह भिन्न भिन्न हैं और वंदनीय तो चैतन्य तत्व है, पुद्गल की तो वंदना होती नहीं है। भैयावृत्ति करना है तो चेतन की करो, पुद्गल की नहीं करना। अब मुनि महाराज की भैयावृत्ति आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो दो चीजें मिली हुई हैं, मुनिराज की चेतना भी है और उस समय मुनि को प्राप्त हुआ जो देह है वो भी, दोनों एक मेक हो रहे हैं। अब आप भैयावृत्ति किसकी करेंगे बताइए? उस समय आपको पता है कि देह में विराजमान है मुनिराज की चैतन्य आत्मा, और शुद्ध आत्मा के लिए किसी भैयावृत्ति की जरूरत नहीं है। वो तो जब इस तरह के शरीर आदि में स्थिर है और फिर व्याधि आदि का कोई योग बना है, थकान आदि है, तो देह की भैयावृत्ति की जाती है। देह के आश्रय से जो साता असाता के उदय महसूस हो रहे हैं उन पर विराम लगता है, चेतना को एक तरफ का एक तरह की शांति मिलती है, रिलीफ मिलता है। आहार किसको देते हैं आप? बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है, और कई ऐसे मिल जाएंगे, ज्ञानी कहिए या जो भी कहिए, इस कारण से उनके आहार दान की प्रक्रिया तक बंद हो गई, पूजन करने की पद्धति तक खत्म हो गई। अरे भाई ऐसा क्यों सोचते हो? ये पद्धति थोड़ी है, व्यवहार निश्चय को तुमने ठीक से समझा ही नहीं है। उस देह में विराजित वह चैतन्य तत्व आत्मा मुनिराज, मुनिराज के देह को आहार दे रहे हैं, और देह के आधार से आत्मा विराजित है, देह के आधार से आत्मा की निर्मलता स्वरूप में प्रतिपन्न होगा, उससे संबर होगा, निर्जरा होगी, मुनिराज शुद्ध आत्मा सिद्ध परमेष्ठी बन जाएंगे, साक्षात शुद्ध नय के उत्पाद हो जाएंगे, कार्य समय सार हो जाएंगे, कारण समय सार से व्यवस्था समझो। हैं आप उन लोगों को देखो, खुद के शरीर के लिए आराम तलब बैठने का स्थान चाहिए, दो चार बार नाश्ता चाहिए, दो चार बार पानी चाहिए, और जब धर्म की व्यवहार पक्ष की बात आती है तो हाथ खड़े कर देते हैं, इससे क्या होगा, इस थाली का उस थाली में करने से क्या होगा। भाई इस थाली का उस थाली में मत करो, थाली का अंजुली में अकेला मत करो, उसके साथ साथ भाव भी जोड़ो, तो जो वह भावों की निर्मलता है वही ज्ञान की निर्मलता है, और वह ज्ञान की निर्मलता आपको केवल ज्ञान में निमित्त बनेगी। सबका जीवन मंगलमय हो और एक सहज आनंद वाला जीवन बने, यही प्रार्थना। जय बोलिए। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।